कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में यूपी के करनौल जिले का लाल शहीद हो गया। तीरवा के सुखसैनपुर निवासी जवान प्रदीप सिंह यादव भी उस बटालियन में शामिल थे जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। रात में ये खबर आई तो परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जिले में शोक की लहर दौड़ गई। तीन दिन पहले छिबरामऊ के शाहजहांपुर निवासी सेना में हवलदार रहे सूर्य प्रताप सिंह की कश्मीर के उरी में हुई मौत की खबर का गम जिला भूल नहीं पाया था कि गुरुवार को पुलवामा में हुई आतंकी घटना में जिले के लाल की शहादत ने सभी को झकझोर दिया। चार दिन पहले गए थे वापस। तीरवा के आजान सुखसैनपुर निवासी प्रदीप सिंह यादव CRPF में थे। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में साथियों के साथ प्रदीप भी शहीद हो गए। शहादत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में भी मातम का माहौल है। SP अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रदीप की शहादत की पुष्टि की है। प्रदीप सिंह यादव श्रीनगर में 115 बटालियन में सिपाही थे। चार दिन पहले छुट्टी गुजार कर लौटे थे। एक मकान कानपुर के 12 सिरोही में है। वहां पत्नी नीरज देवी और दो बेटियां 10 वर्षीय सुप्रिया यादव और 2.5 साल की सोना यादव है। 10 फरवरी को परिवार से विदा होकर वे जम्मू रवाना हुए थे। 11 जनवरी को वो जम्मू पहुँचे। क्या घटना हुई है बेटे के साथ? बेटे के साथ घटना वही आतंकवादियों ने इनके ऊपर जो भी किया है, अपना हमला किया है, गाड़ियां उड़ा दी हैं और ऐसे चित्र बितर हो गई है हमारी जो भी सेना जा रही थी। 78 गाड़ियां जा रही थी और 78 गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी आई, उसने इतनी गाड़ियां उड़ा दी। क्या सिक्योरिटी है, क्या राजनीति है, क्या इनकी वहां की सिक्योरिटी है? अगर सिक्योरिटी है तो सब राजनीति करके मैं ही सब बर्बादी कर रहे हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर की राजनीति हो, चाहे यूपी की हो, कहीं की, पूरी इंडिया की राजनीति इस तरह की चल रही है कि हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे देश को बर्बाद केवल किया जा रहा है। देश को बर्बाद करने से बचाने के लिए इनको जो कुछ भी ये कर सके वो इनको करना चाहिए। किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं बेटा शहीद हुआ देश के लिए? देश के लिए शहीद, मैं भी शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन देश का भला तो हो। लेकिन जब ये राजनीति वाले भला होने देंगे तब तो भला होगा। और भी परिवार में लड़के होंगे, क्या उन्हें भेजना चाहेंगे उसमें? देश के हित के लिए आज भेजने को तैयार, हम भी जाने को तैयार, लेकिन देश का हित जब राजनीति वाले होने दें। राजनीति कहती कि हमारा घर भर जाए, वो कहते हमें नेता बनना है केवल, पब्लिक मरे या जिए। कश्मीर में हुर्रियत नेता हैं, अलगाववादी हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? इन पर कार्रवाई केवल यहाँ की राजनीति नहीं होने दे रही। यहाँ की राजनीति चाहे जो भी हुर्रियत नेता हैं या जो भी हैं, जितने भी वहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, दो रहे, वो भी सब अपनी केवल वहाँ के एक मोहम्मदन वाली बात बना के रहते हैं और कोई बात नहीं। वहाँ सब आतंकवादियों को पालते हैं। तो पत्थरबाजों को कहते हैं कि उन पर हमला करते हैं, उन पे पत्थरबाजों का कितना इन्होंने सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री जो थी उन्होंने कितना सपोर्ट किया, और सपोर्ट इतना नहीं किया कि उनको अपना बना लिया और उन्हीं की आड़ में ही ये सब होता था वहाँ होता था। क्या लगता है कि 43 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए? बेकार नहीं, इसका बदला होना चाहिए कायदे से। क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से? कुछ नहीं मांग करते।